हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो कैसे हो आप सब आई विस्क बढ़िया और अपने अपने घर पर मौज ले रहे हो तो आज ये वीडियो होने वाली है ए एन एस के ऊपर आज हम ऐसी पांच मोडिफ़िकेशन बताएंगे जो आप अपने एन एस में कर सकते हो और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है तो ये मोडिफ़िकेशन कोई भी कर सकता है अपनी बाइक में और इन मॉडिफिकेशंस के बाद आपकी बाइक की लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी तो अपने सामने है एक मॉडिफाइड एन एस जिसमें ये मॉडिफिकेशन हो रखी है तो एक एक करके आपको सब बताते हैं और उनके प्राइस भी बता देंगे कितना क्या कि आपको ये पड़ेगी अगर आप इस टाइप की मॉडिफिकेशन करवाते हो तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन वो है कस्टम पेंट आप अपनी बाइक पे कस्टम पेंट या रैप करवा सकते हो उससे आपकी बाइक की लुक बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी तो आप देख सकते हो हमने इस बाइक में कुछ इस टाइप का कर कलर करवा रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी आपको यहाँ पे हल्के फुल्के स्टिकर देखने के लिए मिल जाएंगे एक बार इस तरफ से भी दिखा देते हैं तो यहाँ पे आपको एन 2.0 टू पॉइंट ज़ीरो और पल्सर की स्टीकर देखने के लिए मिल जाएगा बाकी कुछ इस टाइप की लुक आ रही है अपनी बाइक की काफ़ी खूबसूरत लग रही है और ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी अच्छा मैच हो रहा है बाइक पे। अब बात करते हैं सेकंड मॉडिफिकेशन की तो सेकंड मॉडिफिकेशन आप इसमें के टी एम आर सी या फिर ड्यूक ढाई सौ का मडगाड़ इंस्टॉल कर सकते हो उससे आपकी बाइक की लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगी आप देख सकते हो फ्रंट से एकदम लुक पूरी चेंज हो चुकी है क्योंकि जो एन का स्टॉक मटगाड़ आता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है इतना लंबा आता है और वो अजीब सा ही है स्प्लेंडर जैसा जबकि आप अगर के का मडगाड़ इंस्टॉल करते हो तो आपकी बाइक की लुक एकदम चेंज होने वाली है फ्रंट से और आपका जो टायर है वो भी थोड़ा फैट दिखेगा के टी एम का मडगार्ड इंस्टॉल करने के बाद बाकी आप बताओ कि कैसा लग रहा है ये मड गार्ड इंस्टॉल होने के बाद ओवरऑल कुछ ऐसी लुक है इधर से भी देख सकते हो आप और ये प्रॉपर फिटिंग में हो गई है इसकी हमने कोई भी इसको कट वगैरह करके एन एस के मड गार्ड में नहीं किया है ये जो आता है के टी एम का पूरा मड गार्ड वही है वन पीस अब बात करते हैं थर्ड मोडिफ़िकेशन की तो वो थर्ड मोडिफ़िकेशन आप जो कर सकते हो अपने बाइक में वो है के टी एम ड्यूक की अंडर बेली जो हमने इंस्टॉल की हुई है आपको दिख रही होगी तो ये है के टी एम जो अपनी ड्यूक 200 दो सौ आती है उसकी अंडर बेली है तो आप एक बार इसकी लुक देख सकते हो यहाँ से कितनी प्यारी लुक आ रही है बाइक की और काफ़ी बल्की लगती है काफ़ी भारी लगती है बाइक एंडर बेली लगाने के बाद क्योंकि बी एस थ्री एन एस है तो इसमें अंडरबेली नहीं आती थी तो नीचे से खाली खाली लगता है तो अगर आप इसमें इंस्टॉल कर लेते हो अंडर बेली तो आपकी बाइक काफ़ी भारी दिखने लग जाएगी तो कैसी लग रही है एंडर बेली ये आप कमेंट करके बताओ और एकदम प्रॉपर सेट हुई है इसमें कोई जुगाड़ नहीं है खाली आपको दो पेज खोलने और आपकी अंडर वैली हट जाएगी बात करते हैं फोर्थ मोडिफिकेशन की तो फोर्थ मोडिफिकेशन है आप एन एस में कस्टम इंडिकेटर्स एल इंडिकेटर्स इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि जो एन एस में कंपनी से इंडिकेटर्स आते हैं वो काफ़ी बड़े हैं और नॉर्मल बरफ वाले इंडिकेटर आते हैं तो आप इसमें कस्टम इंडिकेटर्स भी इंस्टॉल कर सकते हो एलईडी के वगैरह के या फिर आफ्टर तो मार्केट भी आपको काफ़ी टाइप के मिल जाएंगे तो आप इंडिकेटर्स भी देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं बाइक पे और एलईडी हैं तो काफ़ी अच्छे रहते हैं इनकी विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है तो आप एक बार यहाँ से फ्रंट लुक देखो बाइक की कितनी प्यारी आ रही है तो ये गई अपनी फोर मॉडिफिकेशन जो आप अपनी बाइक पे कर सकते हो तो अब बात करते हैं लास्ट एंड फ़ाइनल फिफ्थ मॉडिफिकेशन की तो वो है आप अपनी बाइक में टेल टाइड इंस्टॉल कर सकते हो आप यहाँ से देख सकते हो हमने अपनी बाइक में टेल टाइड इंस्टॉल की हुई है बस इस पे पर नंबर प्लेट लगाना बाकी है क्योंकि जो एन की स्टोक टेल टाइड आती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और इतनी अच्छी नहीं लगती है अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आप इसमें एक टेल टाइड भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसके बाद आपकी बाइक की कुछ इस टाइप की लुक आएगी और आपको काफ़ी टाइप की आ, टेल टाइडी देखने के लिए मिल जाएंगी मार्केट में कि आप टेल टाइडी और इंडिकेटर के साथ साथ इसमें फ्लैशर भी इंस्टॉल कर सकते हो उससे भी आपकी बाइक की कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी लुक हो जाती है चलते टाइम जब आपके फ्लैशर वर्क करते हैं हाईवे पे तो ये हो गई अपनी पांच मॉडिफिकेशन जो आप अपनी बाइक में कर सकते हो तो एक बार बता देते हैं हम आपको इसका प्राइस तो जो के का मटगाड है ये आपको 700 सौ आठ सौ में मिल जाएगा यूज्ड भी और न्यू भी आप ले सकते हो उसको ज़्यादा महंगा नहीं है हज़ार बारह सौ में आपको मिल जाएगा उसके बाद बात कर लेते हैं अंडर बेली तो अंडर बेली भी आपको लगभग बारह सौ तेरह सौ रुपये में मिल जाएगी फिटिंग के साथ उसके बाद बात कर लेते हैं कस्टम इंडिकेटर तो ये आपके ऊपर है आप कितने वाले लेना चाहते हो अगर आप के टी के लेते हो तो आपको लगभग बाईस सौ रुपये में चारों इंडिकेटर मिल जाएंगे अदरवाइज़ जा, आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स की साइड जाते हो तो ये आपको लगभग पाँच सौ छः सौ रुपये में मिल जाएंगे चारों इंडिकेटर वो आपके ऊपर है आपको कैसी क्वालिटी चाहिए और आप कौन से लेने जाते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं पेंट के प्राइस की तो वो हर जगह पे अलग अलग है क्वालिटी के हिसाब से तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेंट करवाते हो तो छः सात हज़ार रुपये में आपका बेस्ट से बेस्ट पेंट हो जाएगा बाकी अलग से ग्राफिक्स वगैरह कराते हो तो उनका चार्जेस तो वो अलग से लेंगे ही बाकी अब नॉर्मल मान के चलो पाँच हज़ार में आपकी पूरी बाइक पेंट हो जाएगी उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेल टाइडी का प्राइस तो टेल आईडी सबसे सस्ती है मॉडिफिकेशन में तो आपको लगभग डेढ़ सौ दो सौ रुपये में आपको मिल जाएगी तो ये काफ़ी चीप मॉडिफिकेशन है इसमें कोई आपके ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं नहीं ना ही आपका कोई ज़्यादा टाइम लगेगा तो डेढ़ सौ दो सौ में आपको टेल्ट आईडी मिल जाएगी जो कि आप इजीली अपनी बाइक में इंस्टॉल कर सकते हो और बात कर लेते हैं फ्लैशर की तो फ्लैशर भी आपको काफी टाइप के मिल जाएंगे 200 300 से स्टार्टिंग हो जाती है तो वो आपके ऊपर आप किस टाइप का इसमें इंस्टॉल कर, करवाना चाहते हो या करना चाहते हो बाकी ओवरऑल एक बार आप बताओ कैसी क्या लुक लग रही है बाइक की 360 व्यू तो काफी बेहतरीन लग रही है मुझे तो तो कमेंट करके बताओ आप कि कैसी लगी आपको वीडियो और ये मोडिफिकेशन अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक और शेयर चैनल को कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर लव यू ऑल